शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें उस तहखाने के द्वार की चाबी चाहिए डाकुर, ताकि हम उस चंद्रमणि तक पहुंच पाए। एक नक्शा है जिसकी सहायता से तुम उस द्वार की चाबी तक पहुंच सकती हो, और उस नक्शे तक पहुंचना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां केवल पवित्र शक्तियां या फिर पांच शक्तियों से बनी वो सर्पिका ही पहुंच सकती है। मुझे चंद्रलेखा को ढूंढना ही होगा, क्योंकि वही है जो सच्चाई को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती है। अब हमें कुछ भी करके उस अभिमानी सर्पिका को मनाना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो हमें उस चंद्रमणि तक पहुंचा सकती है। हमारे द्वारा बनाया गया ये कवच हमें संकेत दे रहा है। इसका अर्थ है कि कोई इस तरफ आ रहा है। आप यहाँ? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप यहाँ कर क्या रही हैं? रानी साहब, हम यहाँ काली शक्तियों का पता लगाने आए हैं। अब राजा साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, निभानी तो पड़ेगी ही। तो क्या आपको कुछ पता चला काली शक्ति के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। देखते हैं वो काली शक्ति कब तक हमसे छुप कर बैठती है। पर आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? वो मुझे कुछ पता चला है उस काली शक्ति के बारे में। क्या? हमारा मतलब है, क्या पता चला है? यही कि वो काली शक्ति या तो मोहिनी ही है, या फिर उसका कोई संबंध हो सकता है उस काली शक्ति के साथ। क्या आपको सच में मोहिनी पर संदेह है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैंने उसका बदलता हुआ व्यवहार देखा है। उसका व्यवहार आम इंसानों जैसा नहीं है, और आज जो उसने किया उसे देखकर तो मैं खुद हैरान हो गई। इससे पहले मैं सारी सच्चाई अधिराज को बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप मोहिनी के बारे में सब सच पता लगाएं। ठीक है, हम मोहिनी की सच्चाई का पता लगाएंगे, और अगर मोहिनी ही काली शक्ति हुई तो हम उसे पकड़कर स्वयं राजा साहब के सामने ले जाएंगे। सुनैना, राजा साहब, रानी साहब तो यहाँ नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस सुनैना के हाथों से तिलक लगवाना था। वो आज नवमी का पूजन है ना, इसीलिए। तो राजा साहब, मैं तिलक लगा कर देती हूँ आपको। ये तिलक है औषधि नहीं, और हमने तिलक लगाने का अधिकार केवल हमारी पत्नी को दिया है, किसी और को नहीं। पर राजा साहब, ये तो बस तिलक ही है ना, रानी साहब होती तो वो आपको लगा देती, मैं हूं तो मैं लगा देती हूँ ना। हमने एक बार कह दिया ना, और हमने तुम्हें दासी नहीं समझा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ। तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं। तो फिर उस दिन आपने हमें जाने से क्यों रोका? क्योंकि उस दिन हमें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किंतु एक बात हम अवश्य जानते हैं कि हमारी पत्नी सुनैना को तुम्हारा इस कक्ष में आना पसंद नहीं, और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी पत्नी को नहीं पसंद। तो बेहतर होगा कि हमारी पत्नी के आने से पहले तुम इस कक्ष से बाहर चली जाओ।
जले अधिराज पूजा के लिए देरी हो रही है। माता अम्बे की, माता के नौ रूपों की। अधिराज, मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्रेम किया, तुम्हें सब कुछ माना, और तुमने क्या किया? मेरा स्वप्न, मेरा दिल एक क्षण में तोड़ दिया। वो भी किसके लिए अधिराज? उस साधारण लड़की सुनैना के लिए? क्यों अधिराज? उस सुनैना में ऐसी कौन सी बातें अधिराज जो मुझ में नहीं है? मैं शक्तिशाली हूं, सुंदर हूं, गुणी हूं, फिर भी तुमने मुझे ठुकराया? क्यों अधिराज? क्यों? क्यों अधिराज? ये तिलक है, औषधि नहीं, और हमने तिलक लगाने का अधिकार केवल हमारी पत्नी को दिया है। तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं। अब तक केवल प्रेम जताकर मैं उस राजा से प्रेम पाना चाहती थी, पर अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे अपना बना लूं। अधिराज ने अब तक केवल मेरा प्रेम देखा है, अब वो मेरा असली रूप देखेगा।